तो मानसिक स्थिति भी हो सकता है, कई बार आदमी का बीपी बढ़ने से वो कुछ का कुछ बोलने लगता है। आपके हिसाब से थोड़ा मानसिक संतुलन हिल गया है? नहीं, और क्या है, तो उन्हें भी ग्लिसरीन लगानी पड़े आंखों में। इसे इमोशनल ड्रामा कह रहे हैं या घड़ियाली आंसू कह रहे हैं? अब ये आप जो चाहे सो कहें। आज वो कह रहे हैं तुरंत ही, कल तो हम उन्हें मारने गए थे, अब कह रहे हैं कि विधायक ने हमें राशन भिजवाया। सहानुभूति बटोरने के लिए ये एक ड्रामा किया गया है। हम इस्तीफा दे देंगे अगर, मतलब राजनीति छोड़ देंगे, इससे बड़ी बात कोई नहीं कह सकता। जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है उनको तो सूट कर देना चाहिए। देश की सियासत में खलिहान और खालिस्तान का शोर है, देश की सियासत में खलिहान और खालिस्तान का शोर है, पूरी सियासत में चल रही जमकर तोड़फोड़ है। नमस्ते, प्रियंक हूं मैं, और कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शन जो है वो राकेश टिकैत से होते हुए गाजियाबाद के दो विधायकों नंद किशोर गुर्जर और सुनील शर्मा के छोर पर टिक गया है। उन्हीं विधायकों से इस आंदोलन का नजरिया और उनका पक्ष समझेंगे। हमारे साथ फिलहाल लोनी विधानसभा से विधायक नंद किशोर गुर्जर जी हैं, उन्हीं से बात करेंगे और इसका पक्ष समझेंगे। विधायक जी, दिक्कत क्या है आखिर इस विधायक इस आंदोलन से? नहीं देखिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो राकेश टिकैत जी ने, हम उन्हें बड़े भाई हैं, सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा कि हम वहाँ गुंडे लेकर के आ गए और वो फिर मंच पर रोने लगे। उन्होंने जो इस तरह का नाटक किया इसको लेकर मैं खुद स्तब्ध हूँ। अगर हमने कल कहा भी था कि हम उसके दायरे के 10 किलोमीटर में भी गए हों तो हम इस्तीफा दे देंगे विधानसभा से और राजनीति से। और आज वो कह रहे हैं तुरंत ही, कल तो हम उन्हें मारने गए थे, अब कह रहे हैं कि विधायक ने हमें राशन भिजवाया। तो दोनों बात में से एक बात कौन सी ठीक हो सकती है? या तो आदमी मारने जाएगा या राशन पहुँचवाएगा। तो हमारे साथ साहिबाबाद गाजियाबाद विधायक सुनील शर्मा मौजूद हैं। राकेश टिकैत की ओर से इस तरह की बयानबाजी, जैसा कि आपने उन्हें निराधार बताया, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आप उनको किस तरह समझते हैं? राजनीतिक सियासत हो सकता है कि वो सियासी लाभ के लिए कर रहे हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आप उन्हें किस नज़र में? व्यक्तिगत तौर पर तो मैं यही कहूँगा कि जो उन्होंने प्रदर्शन किया है तो बड़े बड़े फिल्म कलाकार भी ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें भी ग्लिसरीन लगानी पड़े आंखों में आंसू लाने के लिए। तो अच्छे अच्छे कामयाब किसान नेता तो वो हैं, एक अच्छे कामयाब कलाकार भी हो सकते हैं। आप इसे इमोशनल ड्रामा कह रहे हैं या घड़ियाली आंसू कह रहे हैं? अब ये आप जो चाहें सो कहें, मेरे मुँह में शब्द ना डालें। अच्छा, कुल मिलाकर आपके हिसाब से उन्होंने ये आंसुओं का फ़ायदा, सियासी लाभ कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे ज़रूर उठाया होगा? आपको दिख रहा हो तो तमाम प्रदर्शनकारियों किसान संगठनों की ओर से ही अलग अलग वक्त पे आरोप लगाए गए पिछले 3 दिन के अंतराल में कि आपने अपने, आरोप की बात है कि आपने अपने समर्थकों के साथ वहाँ जाकर तोड़फोड़ की, हंगामा किया और प्रदर्शन को बाधित करने की कोशिश की। नहीं, हमने बताया ना, मैं तो बड़ी बात कही है कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर, मतलब राजनीति छोड़ देंगे, इससे बड़ी बात कोई नहीं कह सकता। और मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, जब मैं बोलता हूँ उसे ही करता हूँ। अगर वहाँ गए वो दो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मारने आए, और आज उनका बयान मुझे किसी ने बताया कि ये कह रहे हैं कि हमने उनको राशन भेजा। अब दोनों में से तो एक बात हो सकती है, या तो दुश्मन या मित्र था, इसलिए उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ है, या उनको जैसा ऊपर से विरोधी दल कहलवा रहे हैं, कल उन्होंने वो बोल दिया, आज उन्होंने वो बोल दिया, अभी पता चला कि कोई प्रवक्ता है जो राहुल जी की और इनकी बात हुई होगी राकेश की, और प्रवक्ता कोई सुरजेवाला है, तो सुरजेवाला जो है वो उनके द्वारा कहा गया कि तुम ये बताओ कि विधायक ने राशन पहुँचाया, फिर जो है ये सब दोनों सारी चीज़ें कुछ समझ की बात है। अब जो उनसे कम से कम ये समझना चाहिए, कल कह रहे थे हम मारने आए हैं और आज राशन देने आए हैं, तो जो राहुल गांधी जी को लोग पप्पू बोलते हैं, ये तो वही सिद्ध हो गया भाई, या तो हम मारने आए हैं या हम उनको राशन दे रहे हैं, दो में से एक बात, दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती है? इस आंदोलन को लेकर क्या दिक्कतें हैं? अगर आंदोलन हो भी रहा है तो क्यों ऐसा एक तरह की विरोधाभास? जो ये समाचार है ये बिल्कुल निराधार है, झूठा है और असत्य है। आंदोलन के प्रति 26 जनवरी की घटना के कारण आम जनता और आंदोलन में जो लोग बैठे थे उन सब में भी बहुत क्षोभ था, जिस कारण से जनता यहाँ से जा चुकी थी। सहानुभूति बटोरने के लिए ये एक ड्रामा किया गया है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ड्रामा किसने किया? आप राकेश टिकैत की? पहले मेरी बात सुनिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये कहा गया कि सुनील शर्मा और नंद किशोर और बीजेपी के लोग वहाँ आए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि राकेश टिकैत जी
गंगा जल लेकर के हाथ में बच्चों की कसम खा जाए कि मैं वहाँ गया हूँ या मैं कहता हूँ कि मैं नहीं गया। बाद में उनका बचाव बलट भी दिया उन्होंने, बहन आपका है कि वो मेरे साथ मेरे यहाँ राशन पहुँचाया नंदकिशोर गुर्जर जी ने, ऐसा भी मुझे नंदकिशोर जी की बात से कोई, नंदकिशोर जी की बात को नंदकिशोर जी कहेंगे, मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं इसी स्थान पर बैठता हूँ जहाँ अब बैठा हूँ और उस दिन भी यहीं था पूरे दिन, मैं एक कदम भी यहाँ से आगे नहीं गया। या तो राकेश टिकैत को किसी ने गुमराह किया, अच्छा, या उन्होंने जानबूझ करके उनका आंदोलन उजड़ चुका था उसको रेस्टोर करने के लिए एक ड्रामा किया। मैं, मेरा चैलेंज है कि राकेश टिकैत जी भी आ जाए और मैं भी चलता हूँ गंगा के बीच में खड़े होकर के कसम खाएंगे। ये आरोप सरासर झूठा है और एक साजिश है। जिस तरह राकेश टिकैत की ओर से पहले ये बात कही गई कि विधायक जी के साथ ने वहाँ जाके हंगामा किया, तोड़फोड़ मचाई गई, बाद में इस तरह की बात कर दी गई कि इन्होंने अन्न भेजा है हमें, तो इसको लेके क्या है? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। अब जैसे मान लिया कल मुझे पता चला परसों कि उनका अखबार में छपा कि वो बीमार हो गए हैं, डॉक्टर आए हैं, तो मानसिक स्थिति भी हो सकता है, कई बार आदमी का बीपी बढ़ने से वो कुछ का कुछ बोलने लगता है, तो उन्हें क्लियर हो इस बात का कि दोनों चीज़ तो एक साथ नहीं हो सकती भाई, कोई या तो अन्न भेज सकता है या मारने आ सकता है, ऐसा कोई दुनिया में सुना है कि पहले उसको घी पिला रहा फिर उसको मारेगा? तो मारने वाला है जो दुश्मन है वो तो दुश्मन ही करेगा ना, तो दोनों चीज़ एक दूसरे से संबंध नहीं बनता कोई, कोई आश्चर्य की बात है। और उन्होंने कहा कि हम मारने गए, आपके हिसाब से थोड़ा मानसिक संतुलन हिल गया है? नहीं, और क्या है भाई, दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं क्या? अगर मैं कहीं भंडारा भी करूँ जाकर फिर उसको मारूँ भी, ऐसा कोई करता दुनिया में? और हम अगर वहाँ गए भी हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ देश को, अगर हम गए तो हम इस्तीफा दे देंगे, हम वहाँ के 10 किलोमीटर में नहीं गए। और जिस तरह से उन्हें कहा है, हमें इस बात का मानसिक आघात पहुँचा है, उन्हें इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। अब बिना वजह है जो आदमी गया ही नहीं है उसके लिए तुम नाम ले रहे हो भाई, हम तो उनका बहुत सम्मान करते हैं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की श्रद्धांजलि सभा में हम 3 बार गए, इतना हम सम्मान करते हैं। और मैं खुद किसान हूँ, टिकैत जी से ज़्यादा ज़मीन मेरे पास है, मैं खुद खेती करता हूँ, गाँव में रहता हूँ, वो तो गाँव में रहते कि नहीं है? बात जो किसान की कर रहे हो, मैं ज़्यादातर गाँव में नहीं रहते, मैं तो गाँव में रहता हूँ, खुद खेती करता हूँ। आपका नजरिया मैं जानना चाहूँगा उस घटनाक्रम के विषय में। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मेरे पर लगाया गया आरोप 100% मिथ्या है। मैं अपने इस स्थान पर ही था, आज भी यही हूँ, और जिसने भी ये साजिश करी है झूठी करी है, और जो ये आरोप लगा रहे हैं वो अपने बच्चों की कसम खाए मेरे साथ चल गए। आरोप की बात ठीक है, और ये जो आंदोलन चल रहा है ये आपके नज़रिए में खालिस्तान समर्थित है या नहीं? मेरा नज़रिया मत देखिएगा, दिल्ली 26 जनवरी को लाल किले पर क्या हुआ, नज़रिया बताने की आवश्यकता है क्या? लाल किले की घटना आपको नहीं लाल किले, लाल किले में हाथ में कड़ा था, खालिस्तान समर्थित था, लेकिन पूरा आंदोलन को एक धिसरे में ये कह देना कि खालिस्तान। देखिएगा, किसान, इस देश का किसान जो है वो राष्ट्रभक्त है, किसान का बेटा ही सीमा पर देश की सुरक्षा करता है। ये जो मिलिट्री में नौजवान है ये 80-90% 95% किसानों के बेटे हैं, पुलिस में भी जो भर्ती सिपाही हैं ये भी किसान, और जो प्रदर्शन में हैं वो आप पूरी बात, आप पूरी बात सुनिएगा, किसान कभी जवान पर हमला नहीं कर सकता, नहीं करेगा। जिस प्रकार से जवानों पर लाल किले के झील पर तलवारों से कब्जा किया, हमला किया जा रहा, उसके बारे में आप स्वयं समझदार हैं, सोच सकते हैं कि क्या वो लोग किसान थे जिन्होंने जवानों पर हमला किया? आप ऐसा मानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस अच्छा, पिछले 6 महीने में एक नारा दिया गया एक बीजेपी के ही नेता की ओर से कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस प्रदर्शन में वो नारा फिर से जीवंत तो उठा है, और उसका कहीं ना कहीं कुछ क्लू आपकी एक चिट्ठी में नज़र आता है, तो आप उस चिट्ठी में आपके जो वक्तव्य थे, क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा सा अराजकता को बढ़ावा देने वाले नहीं होंगे? देखिए, उसमें कहीं गाली तो कहीं नहीं है, ये गोली मारने का जिक्र जैसे, नहीं गोली का नहीं है, हमने कहा जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है उनको तो सूट कर देना चाहिए, जो आतंकवादी इस घटना को किया है, खालिस्तान का नारेबाजी जो की है, क्या उनको आप लोग समर्थन करेंगे? आतंकवादी को गोली से मारना चाहिए क्या? उनकी पूजा करनी चाहिए? अच्छा, आपको जानकारी नहीं है कि गाजीपुर बॉर्डर वहाँ? मुझे इतना पता है कि लोग वो जो उन्होंने एक झूठा स्वांग करा कि भाई मेरे साथ मारपीट हो रही, मैं तो झूठा स्वांग इसलिए कहूँगा कि मेरा नाम लिया गया, मैं वहाँ नहीं था और वहाँ कोई नहीं था। अगर वहाँ किसी ने हमला किया है तो ठीक है जी, वहाँ आपके भी चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, CCTV कैमरे, और हर हाथ में कैमरा मोबाइल में, किसी की तो तोड़फोड़ करते हुए, किसी की तो झगड़ा करते हुए, किसी की तो नारेबाजी करते हुए, किसी की तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए कोई क्लिप कहीं आती
अभी तक कोई क्लिप आई है? एक सवाल और जो काफी वजूद में आया 26 जनवरी के बाद, इस आंदोलन में सिर्फ खालिस्तान ही नहीं बीजेपी के समर्थित होने का भी आरोप लगा है। आरोप क्यों लगा है उसका सिरा जुड़ता है पंजाब के रहने वाले दीप सिद्धू से। दीप सिद्धू पे ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के कई नेताओं के जुड़ाव में हैं। और हालांकि आप अगर बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपसे मैं इस तथ्य को समझना चाहता हूँ। देखिए, मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ छोटा सा, ये तो बड़े लोगों की बात है पार्टी में, जो हमारे प्रवक्ता हैं, जो पार्टी और प्लेटफॉर्म है। लेकिन बात कुल मिला के ये है, बीजेपी के लोग कोई इसमें जुड़ ही नहीं सकता। कोई भी देश का, पार्टी का भी या कोई देश का व्यक्ति, जब सारे के सारे लोग जो इस बात से खुश है कि किसान पहली बार आज़ाद हुआ, इतना शानदार बिल बनाए, और उसमें कोई कन्फ्यूजन था, वो क्लियर हो गया। ये मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स में भरमार है लोगों की। अब वो तथ्य परख है कि नहीं, इस पर जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि आंदोलन को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का प्रोपोगेंडा रचा गया कि बीजेपी समर्थित लोगों के जरिए उस घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद इसको वायरल किया गया कि आंदोलन की असल वजह से लोग देख भ्रमित हो सकें। इसको लेके आपका क्या नजरिया है? ये तो और नई आश्चर्य की बात आपने बताई। तमाम ट्वीट आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में सक्रिय है। वो जो क्लियर लोग हैं, सिद्धू का जिक्र है, नहीं नहीं, दीप सिद्धू से क्या मतलब भाजपा का? दूसरी बात, जो हम उस पर चढ़े हुए हैं उनके तो सारे फोटो क्लियर आ गए, तो उसमें कोई एक भी भाजपा का आदमी है क्या, भाजपा समर्थक है क्या? तो बेवजह की बात करने से कोई कुछ भी बता रहा, कोई मान लेगा कि देश में? देखिए, लोगों का पक्ष जो है उसका जिक्र होना चाहिए और उसमें आपको अपना बात पक्ष सही है। लेकिन ये तो मजाक है ना, ये तो कोई विषय ही नहीं हुआ। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है और इस देश को दुनिया के अंदर ताकतवर किया है, और भारत के किसान की इनकम बढ़े और इन बिल के द्वारा आज तो दुनिया ने मान लिया, आज तो अमरीका के विशेषज्ञों ने मान लिया। आपने सुना ही होगा, अभी पिछले दिन जो बयान आया था तो उसमें इससे इनकम 3 से 4 गुनी होगी और किसान सेटिस्फाइड है पूरे देश का। तो अच्छा अच्छा, मंडियां खत्म होने का जिक्र जो है, सबसे मेन विरोध जो है लोगों का, व्यापक विरोध इसी को लेके है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, तो आने वाले टाइम में क्या, और जिस तरह आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी का कहना है कि 4 बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए मंडियां खत्म होने का फैसला लिया गया है, और क्या ऐसा आने वाले वक्त में हो सकता है क्या कि पूरी तरह से मंडियां वजूद से खत्म हो जाए? नहीं, अद्भुत नहीं है बात भाई। राहुल गांधी अगर ये बता दे पुदीने में और धनिया के पेड़ में क्या अंतर है, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अगले को जब क्या कबूतर पता ही नहीं, सारी दुनिया जानती है। उसके बाद आप कह रहे हो राहुल गांधी ने कहा, कोई आदमी गंभीर व्यक्ति, कोई इस तरह का व्यक्ति कह रहे हो? राहुल गांधी का इन्होंने जिक्र किया, बीते दिन राहुल गांधी की ओर से सिंघू बॉर्डर को सिंधी बॉर्डर बोला गया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी राजनीति की समझ कितनी है। हालांकि उसमें हम गहराई में नहीं जाएंगे और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से ये समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी बिल की खामियां समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर विचार करने की जरूरत है। तो मंडी का जिक्र हुआ, तो आने वाले वक्त में ऐसा डर है उनको कि मंडी खत्म होगी, और मंडी जो, और इसमें एक वजह ये भी है कि अभी तक पंजाब तक सीमित था, अब यूपी की ओर से भी कई जगह विरोध तो सामने आने लगे हैं कि ऐसा ना हो कि मंडी खत्म हो जाएगी। और साल में जो एक लिमिटेड स्टॉक होता है 1850 रुपये में, हम 1500 कुंटल ही यूपी गवर्नमेंट लेती है, उसके बाद उनको प्राइवेट में मजबूरन ही बेचना पड़ता है। तो इसको लेके जो तमाम खामियां आती किसानों को, यूपी के किसान, आप गाजियाबाद के विधायक है, तो यूपी के किसानों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है कि उन्हें मजबूरी में प्राइवेट में बेचना पड़ जाता है। तो इसको लेके कुछ आने वाले टाइम में इस बिल में कुछ सुधार या कुछ योजनाएं? देखिए, बिल में जो तीनों बिल हैं, मैंने कहा ना, देश की आज़ादी के बाद पहली बार किसान आज़ाद हुआ है, और इसलिए पूरे देश का किसान माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा है। और जहाँ तक बात ये मंडियों की, तो आपने सही बात पकड़ी है, केवल जो आड़ती हैं उन्होंने इकट्ठा करके लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी के लोग और उसमें खालिस्तानी शामिल हुए कुछ, जिन्होंने अपने मिशन को अंजाम दिया। ये आप कैसे कह सकते हैं, मतलब किस आधार पे आपने ये आरोप लगाया कि खालिस्तानी वहाँ? नहीं, वो बताया नहीं, खड़ा देखा गया उनका, खालिस्तान के नारे लगे और उन्होंने वहाँ बैठ करके वाशिंगटन में जिम्मेवारी ली है, हमने किया है वहाँ जो लाल किले में किया है, तो ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन किसान जो थे, जिनसे ही पता चला उन्हें कि हुआ, किसान वहाँ नरेश टिकैत जो राकेश टिकैत जी के भाई हैं, उन्होंने कहा कि गलत हुआ है, इनको सजा मिलनी चाहिए, राकेश टिकैत भी कह रहे हैं। तो एक मिसगाइड करके जो किया, वो पूरा देश का किसान समझ चुका है। जो जिस देश के प्रधानमंत्री ने किसान को सीधा सम्मान निधि दी हो, पहली बार किसानों को जो सब्सिडी सबसे ज़्यादा छूट दी हो, जितने भी हमारे कृषि यंत्र हैं उन पर छूट दी हो एक तरफा, और उनके ऋण माफ़ करने के 1 लाख के चेक सरकार बनते दिए हों,
जैसे ही सरकार बदली थी, तो वो प्रधानमंत्री जो देश के गरीब की चिंता कर रहे हैं और किसान जो रीड है देश की, उसके बारे में ऐसा सोच सकते हैं क्या? देखिए आप ये तो समझिए कि जिस तरह आंदोलन का रुख है वो पीछे हटने को किसान तैयार नहीं है, तो इस आंदोलन का भविष्य आप किस तौर पे देखते हैं? क्योंकि किसी भी कीमत पे वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सरकार बैकफुट पे आती है या कोई दोनों के बीच सहमति बनती है, बस इन दोनों में ही एक और आंदोलन रुख ले सकता है, तो इसका भविष्य आप किस तौर पे देखते हैं? देखिए भविष्य कुछ नहीं है, किसान समझ चुका है, जो लाल किले पर हुआ उससे किसान समझ गया। अब तो वहाँ कुछ लोग बेवजह पैर पीट रहे हैं, किसान पूरे देश का एकजुट है, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के साथ है, और किसान की बात जो लोग वहाँ कर रहे हैं, जो किसानों को इमोशनली ड्रामा करके बुलाया गया, वो भी उस ड्रामे से आए, और किसान किसी बात से नाराज नहीं है। मतलब अब मुजफ्फरनगर तक आंदोलन की आग पहुंच गई, हजारों की तादाद में लोग हैं और सारे दिग्भ्रमित किए जा सकते हैं, आपको ऐसा लगता है? दिग्भ्रमित कोई नहीं हुआ है, ये कहा ना लोग हमें मार देंगे, तो लोग उन्हें लगा कि मार देंगे तो हम बचाने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ होता है, किसान जो है अपने मान सम्मान के लिए लड़ता है, लेकिन किसान को पता चल गया है कि अब ये जो है बिना वजह की बातें चल रही है, तो किसान वापसी लौट रहा है। नहीं, वापस तो लौटने जैसी तस्वीरें अभी नहीं, अब तो आंदोलन उग्र होता जा रहा है और ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है, तो उसको लेके मैं समझना चाहता हूँ कि भविष्य कितना ज़्यादा व्यापक हो सकता है। उग्र नहीं हो रहा है, रात जो जिस तरह से लोग आए थे, लोग कम हो रहे हैं, आप जाके देखिए। अच्छा, लोग कम हो रहे हैं? लोगों को उसको लगा कि पता नहीं वहाँ कोई बवाल हो गया है, तो टिकैत साहब ने जो जिस तरह भी किया, उन्हें किस कारण से किया कि विधायक हमें मारने आए हैं, तो उससे लोगों में लगा कि भाई हम उनके लिए निकलते हैं, सब लोग चलते ही हैं, और हमें भी खराब लगा, अरे भाई इस तरह की बात क्यों हो रही है। और आखिरी सवाल कि टिकैत को लेके बहुत वैचारिक मतभेद हैं विधायक जी से लेके दोनों की, आने वाले टाइम में अगर वो बात करने को आपसे इच्छा जताते हैं या दोनों में आगे चल के जो वैचारिक मतभेद है उसको स्पष्ट करने का जिक्र होता है, तो क्या आप अपना वक्त दे पाएंगे? मैं तो फिर कह रहा हूँ, वक्त की बात क्या कर रहे हैं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनके साथ हम कई बार गए, उनके जब देहांत हुआ तो उनके साथ 3 बार हम वहाँ गए, उनकी शोक सभा से लेकर के उनके देहांत तक, और वो ईमानदारी से किसान की बात करते थे। लेकिन ये जो बात बिना वजह की, देखिए दुख इस बात का है, हम वहाँ दूर तक गए नहीं, हमारा नाम लिया मारना है, अगर वो हमारा कहीं दूर तक भी नज़दीकी भी आ जाए तो हम रिजाइन दे देंगे, विधानसभा से बड़ी बात थी। दूसरी बात, अब वो कह रहे हैं विधायक जी ने हमें भंडारा किया, हमें माल, अब दोनों चीज़ या तो लड़ने जाएगा आदमी या भंडारा करने जाएगा, दोनों एक साथ हो सकती हैं, तो उनको जैसा कहलवाया जा रहा है कहीं से वो वैसा कह रहे हैं, उनकी भी हालत राहुल जी जैसी होती जा रही है। तो मुझे ये कहना है कि चौधरी साहब का सम्मान करें, वो महेंद्र सिंह टिकैत जी का सम्मान करें, और राकेश टिकैत जी को इस चीज़ से उभरना चाहिए, हम बिना वजह के सुनील शर्मा जी पे हम पे आरोप लगा दिया। चलिए, इन्होंने अपना पक्ष रखा और टिकैत जी से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और टिकैत जी का भी पक्ष जानेंगे इस मुद्दे को लेके कि उनका क्या कहना है, और सुनील शर्मा जी का हमने पक्ष जाना विधायक जी का, और जहां तक नंद किशोर गुर्जर जी की बात है, इन्होंने अपने सारे पक्ष बेबाकी के साथ रखे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आंदोलन का जो रुख है वो सहमति की ओर बढ़ेगा। इसी के साथ आप लगातार देखते रहिए द लॉलीपॉप्स, मैं प्रियंक वाजपेयी, फिर मिलूंगा आपसे, शुक्रिया।